गुड मॉर्निंग बच्चों, स्टूडेंट, आज मैं आपको पार्ट 3 दयालु राजकुमार से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर पूर्ण कराऊंगी। देखिए, जो ये पार्ट 3 है दयालु राजकुमार, इसमें राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में बताया गया था। और हमने क्या देखा था, हमने पढ़ा था कि जब जो सिद्धार्थ हैं वो अपने बगीचे में घूम रहे थे तो अचानक से एक हंस उनके आगे आकर गिर गया। हंस को गिरता हुआ और घायल देखकर सिद्धार्थ ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। और तभी देवदत्त ने आके उनसे कहा कि ये हंस मेरा है, मैंने ही इसका शिकार किया है। उस बात पे वो दोनों झगड़ा करने लगे और फिर वो इस बात का निर्णय लेने के लिए कि हंस किसके पास जाएगा, इसके लिए वो महाराज के पास गए। महाराज ने दोनों की बातें सुनी और कहा कि इसे बीच में छोड़ दो, ये जिसके पास चलकर जाएगा हंस उसी का होगा। तो ये हुआ। फिर क्या हुआ बच्चों, कि फिर हंस जो है वो खुद चलकर सिद्धार्थ के पास चला गया। महाराज ने कहा कि हंस ने खुद अपना फैसला कर लिया है। देखो, मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली थी कि हमें कभी भी जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और हमें हमेशा उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर करते हैं। देखो, कम सिद्धार्थ उपवन में क्या कर रहे थे, क्या की जगह हमें इसका उत्तर देना है। तो देखो, यहाँ पर जो क्या लिखा है बच्चों, इसकी जगह हमें इसका उत्तर देना है। तो देखो, सिद्धार्थ उपवन में, ये हम ऐसा कैसे प्रश्न में से लिख देंगे और क्या की जगह हम उत्तर लिखेंगे, टहल रहे थे। अंत में पूर्ण विराम की जगह हम नहीं, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम यहाँ उत्तर में पूर्ण विराम लगाएंगे। फिर देखिए कि सिद्धार्थ उपवन में क्या कर रहे थे, क्या की जगह हमें उत्तर लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे कि सिद्धार्थ उपवन में टहल रहे थे। ठीक। अब दूसरा प्रश्न देखिए, देवदत्त हंस को अपना क्यों बता रहा था, क्यों का उपयोग क्यों रहता है, किसी भी कारण को जानने के लिए क्यों, कैसे आदि का उपयोग करते हैं। ठीक। देखो, देवदत्त हंस को अपना इसलिए बता रहा था क्योंकि उसने हंस का शिकार किया था। क्यों बता रहा था बच्चों, क्योंकि उसने हंस का शिकार किया था। ग देखिए, राजा ने हंस का फैसला कैसे किया, कैसे की जगह हमें इसका उत्तर देना है। देखिए, कैसे किया था, राजा ने कहा हंस को बीच में छोड़ दो और दोनों दूर जाकर खड़े हो जाओ, हंस जिसके पास जाएगा उसे ही मिलेगा। इस प्रकार राजा ने हंस का फैसला किया। देखो, जब दोनों राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त आपस में लड़ रहे थे कि ये मेरा हंस है, ये मेरा हंस है, तो वो महाराज के पास गए और जो महाराज थे उन्होंने बड़े ही ध्यान से उन दोनों की बातें सुनी और उन्होंने कहा कि तुम दोनों ही दूर जाकर खड़े हो जाओ और इस हंस को बीच में छोड़ दो, हंस जिसके पास जाएगा उसे ही मिलेगा। इस प्रकार राजा ने हंस का फैसला किया। घर देखिए कि इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, बताओ इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर देखो, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवों के प्रति हमेशा दया भाव रखना चाहिए। देखो, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जीवों के प्रति हमेशा दया भाव रखना चाहिए, यानी जब भी हम किसी जीव को देखें तो हमें उससे कभी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, क्योंकि जीव हमसे तभी प्रेम करेगा जब हम उससे प्रेम करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आओ, अब क्या करेंगे हम, लिखित प्रश्न। देखिए, प्रश्न है कि सिद्धार्थ किसके पुत्र थे, तो हमें किसके की जगह यहाँ उत्तर लिखना है। तो देखिए, सिद्धार्थ शुद्धोधन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे बच्चों, सिद्धार्थ शुद्धोधन के पुत्र थे। ख देखिए, हंस को किसने तीर मार कर घायल कर दिया था।
जो हंस था उसको किसने तीर मारकर घायल किया था, बताओ। देखो बच्चों, हंस को देवदत्त ने तीर मारकर घायल कर दिया था। किसने किया था? देवदत्त ने। ग देखो, हंस धीरे धीरे चलकर किसके पास गया। यहाँ किसके की जगह हमें इसका उत्तर देना है। तो देखो, हंस धीरे धीरे चलकर सिद्धार्थ के पास गया। किसके पास गया था? सिद्धार्थ के पास। एक बार फिर से देख लेते हैं इसके प्रश्न उत्तर। देखो, पहला प्रश्न था क कि सिद्धार्थ उपवन में क्या कर रहे थे, तो उसका उत्तर क्या था कि सिद्धार्थ उपवन में टहल रहे थे। क्या कर रहे थे? उपवन में टहल रहे थे। ख देखो, देवदत्त हंस को अपना क्यों बता रहा था। देखो, देवदत्त हंस को अपना इसलिए बता रहा था क्योंकि उसने हंस का शिकार किया था। क्यों बता रहा था? क्योंकि उसने हंस का शिकार किया था। ग देखो कि राजा ने हंस का फैसला कैसे किया। देखो, राजा ने कहा हंस को बीच में छोड़ दो और दोनों दूर जाकर खड़े हो जाओ। राजा ने क्या कहा कि जो हंस है इसे बीच में ही छोड़ दो और दोनों ही दूर जाकर खड़े हो जाओ। हंस जिसके पास जाएगा उसे ही मिलेगा। क्या बोलता है कि हंस जिसके भी पास जाएगा उसको ही मिलेगा। इस प्रकार राजा ने हंस का फैसला किया। इस प्रकार क्या किया? राजा ने हंस का फैसला किया कि हंस किसको मिलेगा। घ देखिए, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। देखो, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवों के प्रति हमेशा दया भाव रखना चाहिए। अगला जाइए लिखित प्रश्न में कि सिद्धार्थ किसके पुत्र थे। देखो, सिद्धार्थ शुद्धोदन के पुत्र थे। किसके थे? शुद्धोदन। का देखो, हंस को किसने तीर मारकर घायल कर दिया था। उत्तर देखो, हंस को देवदत्त ने तीर मारकर घायल कर दिया था। किसने किया था? देवदत्त ने। हंस धीरे धीरे चलकर किसके पास गया? हंस धीरे धीरे चलकर सिद्धार्थ के पास गया। तो इस प्रकार बच्चों, हमने इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर पूर्ण कर लिए। आप भी इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में करिए और समझिए। धन्यवाद।